और आज कोई भी प्रिंसीपल मेरे अपने कॉलेजों के रिटायर प्रिंसीपल चल रहे हैं उन्होंने असी सू इंटरव्यू देनी आ रहा कि साड़ी उम्र 60 साल तक ये टीचर रहेंगे जे प्रिंसीपल बन गए अपनी उम्र 58 हो जाएगी। सो ये गल सरकार को समझा चाहते हैं कि क्यों जो फैसले ले रहे हो, फैसले हासिल होने फैसले ना लो, फैसले सानू सुन के समझ के लो। वो भी सा बड़ा मसला है कि 90% ग्रांट की स्कीम है वो घटा के इन्होंने 75% करती है। ये दो तीन होर ऐसे इशू ने जोड़े कि असं हम बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन सबको सुनना टाइम नहीं दे रहे। इस करके असं अच्छे 6 फैसले असी सॉरी जॉइंट एक्शन कमेटी ले रहे जेडे असं दसना चाहते हैं। पहली गल तो यह है कि असं दोनों यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्सिटी डीसी को सा डेलीगेशन मिलेगा विद इन 3-4 दिन के अंदर अंदर और उन्होंने जाणू करावे कि पंजाब गवर्नमेंट के प्रेशर से लिया के गलत फैसले ना लो ताकि सानू एजुकेशन जी है उसका रस्ता अख्तियार करना पड़े। दूसरा साडा यह है कि जो इतों के मेजर पार्टी के कैंडीडेट ने उन्होंने साइडी जो नुमाइंदे ने वो एक डेलीगेशन लैके अपने मसले को असं दसा कि पंजाब गवर्नमेंट का आज एटीट्यूड है असं आल पोलीटल पार्टियां के कैंडीडेट्स को साढ़े डेलीगेट जो मिलने मिलकर अपने जन जगह ने उन्होंने चालू कराऊंगे कि पंजाब की आम आदमी सरकार का एटीट्यूड है टुवर्ड्स हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन सारी एजुकेशन के मसले का आम एटीट्यूड है असं कैंडीडेट को चालू करावे साढ़े डेलीगेशन मिलेगा। तीसरा यह है कि असी 27 अप्रैल 3 जगह के उत्ते असी रैली करांगे। GNDU की जे सारे कॉलेज नैचुरली बंद रहेंगे 27 अप्रैल जो तो साढ़े सारे टीचर रैली में आवगे सारे प्रिंसीपल आवगे तो नैचुरली कॉलेज जो बंद रहेंगे। ये 27 अप्रैल डिसीजन असी लिया कि 27 अप्रैल को पंजाब के 3 शहरों में 3 यूनिवर्सिटियां के सारे टीचर चाहे नौकरी चाहे परमानेंट ने सारे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के मैंबर उस रैली में शिरकत करेंगे सवेरे 11 बजे। चौथा साडा डिसीजन है कि स्टेट लैवल की जिहड़ी जे सानू सरकार ने फिर भी उन्होंने समझ ना आई तो सानू स्टेट लैवल की एक रैली जी जलंधर में तिना यूनिवर्सिटियां सारे जो तिन्नी दिन कटा रैली वो सारे लोग जो ने 4 मई को जलंधर में असं रैली कटा सवेरे 11 बजे देश भगत हाल यादगार हाल तो लैके डीसी ऑफिस तक असी पैदल मार्च लेके जावे। पंजाब के सारे कॉलेज के टीचर और सारे पंजाब के प्रिंसीपल सारे पंजाब के मैनेजमेंट के मैंबर उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। जो पहली जी है वो है कि जो सेंट्रल पोर्टल बनाया वो सेंट्रल पोर्टल टीचर को भी है स्टूडेंट्स को भी है और मैनेजमेंट को भी है वो एक कारपोरेट सैक्टर का सारा किया है ढंग है जिते कि आप कारपोरेट सैक्टर को ग्रोथ करते चाहते हैं उत्थे एक प्राइवेट प्लेयर उन्होंने जरा सारा ठेका देता है को एडमिशन करेगा और कमीशन जी है दी जाएगी। असी ये छोटे विद्यार्थियों का विशेष तौर के उत्ते रूरल एरिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा इस करके पोर्टल नंबर 1। नंबर 2 है कि जो ग्रेड भी सूँ बढ़ा लें असी सरकार के हर हुक्म मन तो जी गल छीना सभी तुम पहले दसी कि 95% ग्रांट नेट अप टू डेट वो तक असर ना हो फिर कॉलेज पक्के तौर पर उत्ते बंद कर दिया क्योंकि सर्वाइवल ही जी पॉसिबल नहीं है। सो ये अल्टीमेट स्टैंड है इसके बाद जरा कोई रस्ता नहीं रहेगा कि असी की कॉलेज चलाने भी किमें ने तो किमें चलेंगे बेसिकली तो चलेंगे ही नहीं। उन्होंने हालतों के सारी ये सरकार जी है पंजाब दे विच हायर एजुकेशन नू खत्म करने वाला जो प्रोसैस है वह असं अंत समझांगे पर समझांगे कि यह सरकार सिक्ख्या विरोधी और ये नाल ही नौजवान के विरोधी है। अगे नौजवान जरा बाहर जाके पढ़ना चाहता है इतने नौजवानों या कार्यक्रम अकादमिक तौर पर नुकसान पहुँचाया वो नुकसान जोड़े ने व्डे होने की संभावना। सो इस करके ये सख्त कदम लेने पे हैं और इनको डेट बोन लेना पे क्योंकि इस बाद अगे जाके कोई भी जरा रस्ता सबको नहीं मिलेगा। शुक्रिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस पूरे उचेरी सिक्ख्या के प्रति जरा पंजाब सरकार का विरोधी रवैया और बदकिस्मती कह लीए और बड़े तकलीफ नाल गल कहनी पै रही है कि पंजाब की उचेरी सिक्ख्या वो मुख्यमंत्री अनदेखा कर रहे हैं जिहड़ा खुद एक मासल का बंदा
और जिसने वादा किया सीगा कि मेरी हरे पेन की जिहड़ी मैं पहला सिग्नेचर करूँगा वो उचेरी सिक्ख्या की बेहतरी लिए करूँगा। और ये वो मुख्यमंत्री है जिसने वादा किया सीगा कि साडा बजट भी आम लोग गली महल्या च बनाएंगे। और अफसोस ये है कि एक साल बीत चुका है सरकार ने उचेरी सिक्ख्या की ज्वाइंट एक्शन कमेटी तुहाडे सामने बैठी है, हजे तक किसी टीचरों के डैपूटेशन, किसी प्रिंसीपलों के डैपूटेशन, किसी मैनेजमेंट के डैपूटेशन नूं मिलन का समा मुख्यमंत्री साहब नहीं कढ सके। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री मैना के मुख्यमंत्री नहीं सी कढ़ते, वक्री गल है आम आदमी पार्टी। दूजी गल, तुसी दो सिक्ख्या मंत्री एक साल दे विच देख ले, वो दो सिक्ख्या मंत्रियों का एक साल का पूरा टूर कढ़ लो। प्रेजेंट मुख जिहड़े साडे सॉरी सिक्ख्या मंत्री जिहड़े ने प्रेजेंट उन्हां दा तुसी एक साल का महीने का पूरा शड्यूल अखबारां च पढ़िया, कल्ला कल्ला स्कूल विजिट करूँगा, शहर विजिट करूँगा, कस्बा विजिट करूँगा। लेकिन दोनों सिक्ख्या मंत्रियों ने एक साल च पंजाब दे 200 कॉलेजों विच्चों किन्ने कॉलेज विजिट किए, ये तुसी डाटा कढ़ लो। 10 की गिनती च भी नहीं आते, 5 भी गिनती नहीं टपते। तो जे पंजाब दे सिक्ख्या मंत्रियों ने कॉलेजों नूं विजिट नहीं करना, मुख्यमंत्री ने टीचरों नूं प्रिंसीपलों नूं मैनेजमेंटों नूं नहीं मिलना, तो पंजाब का किहड़ा सिक्ख्या का मॉडल तुसी लागू करना? ना ये दिल्ली मॉडल है, ना ये पंजाब का मॉडल है। इस करके अज मजबूरन मैनेजमेंट प्रिंसीपल ते टीचर इकट्ठे होए है, मंगा तो है ने, इशू तो है ही है, लेकिन बेसिकली पंजाब बचाओ, पंजाब की उचेरी सिक्ख्या बचाओ। आप असी जो मोर्चा खोलिया क्योंकि जे पंजाब दे विच लोकतंत्र ही खत्म करता गलबात का, तो फिर तुसीं पंजाब की तानाशाही पंजाब की अराजकता नहीं रोक सकोगे। इस करके पंजाब बचाओ, सिक्ख्या बचाओ, उहदे खिलाफ अज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये तीन बेसिक मुद्दों लैके जो किसी भी सूबे की बेहतरी लिए जरूरी ने, उहदे लिए असीं अज सारे इकट्ठे होए हां। और उम्मीद रखते हैं कि पंजाब सरकार दीआं अक्खां खुलणगीआं। अज पता जलंधर दे विच नैशनल कन्वीनर भी आ रहे हैं जिहड़े सिंगापुर तक टीचरां नूं ट्रेनिंग देण दीआं गल्लां करदे ने, ते असीं बेनती करांगे वी जलंधर आए हो तो जलंधर दे विच मैनेजमेंटां भी बैठियां, जलंधर च प्रिंसीपल भी बैठे ने, जलंधर च टीचर भी बैठे है, तो शाम नूं हैलीकॉप्टर द्वारा चढ़न तो पहला किसी नाल तां मुलाकात करके एक फोटो अखबार च दे जाइयो ताकि पता लग जाए भी तुसीं मिलदे हो। उम्मीद है भी शायद ये काम शायद कर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 100% ਗ੍ਰਾਂਟੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 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 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ।